जी बस बारिश जी तेज़ हो गई है, देखे कितनी ज़्यादा तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई है। दाल की अच्छी है जी, माशाल्लाह खिली खिली दाल बनी है, ढाबा स्टाइल में होटल वाली दाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, आप कैसे हैं? हम सब जी अल्लाह पाक का शुक्र है बिल्कुल हैफ़ियत से हैं। उम्मीद करते हैं जी आप भी बिल्कुल हैफ़ियत से होंगे। तो बस एक हो चुका है जी दोपहर का, बादल बने हुए हैं, इसलिए लग रहा है कि जैसा कि सुबह का वक्त है, लेकिन जी एक हो गया है तो हल्की हल्की जी यहाँ पर बारिश भी कहीं हो रही है। मौसम भी आपको दिखाते हैं, मैंने सोचा जी आज आपको छत से जी खूबसूरत मौसम दिखाया जाए, और फिर जी नीचे चलते हैं वहाँ पे क्या हो रहा है वो भी आपके साथ जी शेयर करते हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं जी खूबसूरत व्यू छत से जी, और यहाँ पे देखें जी हमारे पौधे देखें जी कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और ये देखें जी आम के दो पौधे हैं, ये वाले बड़े बड़े हो गए हैं जी, और मैं सोच रही हूँ जी इन जो आम के पौधे हैं इन गमला लेकर जी इनको वहाँ पर लगाया जाए, बड़ा गमला। तो ये देखें जी खूबसूरत मौसम, गांव का माशाल्लाह जी बहुत ही खूबसूरत लग रहा है जी गांव। यहाँ से जी आपको दिखाते हैं गंदम का खूबसूरत व्यू, माशाल्लाह देखिए जी गंदम जो है वो सामने पक चुकी है, दूर दूर तक जी गंदम ही गंदम है। ये खेत देखें जी माशाल्लाह जी, बस जी ये महीने के एंड तक गंदम पक कर तैयार हो जाएगी माशाल्लाह। देखिए जी यहाँ से देखें जी हम गाँव कितना खूबसूरत लग रहा है जी माशाल्लाह माशाल्लाह जी, और बहुत ही खूबसूरत मौसम है जी, बादल बने हुए हैं और हवा चल रही है जी तेज़। चलते हैं जी फिर नीचे बाजियों से पूछते हैं जी आज क्या क्या करना है, क्या क्या पकाना है, और देखते हैं जी बाजी कहाँ है। बाजी उधर है जी कमरे में जी, बाजी मीना लेटी हुई है और इधर बाजी सफाइयाँ कर रही हैं, झाड़ू लगा रही हैं। पूछते हैं जी आज क्या पकाना है, क्या खाना है। और ये देखें जी मैं बाजी के सामने आ गई हूँ ताकि जी पूछ सकूँ कि क्या पकाना है, की पकाना है जी? दाल माश की, दाल माश। देखिए जी हमने प्रोग्राम पहले से किए हुए हैं क्योंकि गोश्त खा खा के जी रमज़ान में गोश्त खा खा के आपके पूरा महीना गोश्त खा रहा। बच्चे अकते तो नहीं है वैसे ही जी? असी अक गए। हाँ जी खाना था। चले दाल लेने गए हैं ना? दाल चले लेके आते हैं, तो फिर जी उसको पानी में भिगोते हैं। दाल माश होगी जी आज आपके साथ शेयर रेसिपी, ठीक है जी? साथ तंदूरी वाली रोटी। अच्छा जी तंदूरी वाली रोटी, चले सही है जी। ओके जी आप लगा लें फिर झाड़ू। और ये देखें जी बारिश स्टार्ट हो गई है यहाँ पे, तेज़ आई तो फिर ये जी ऊपर छत के ऊपर ये छापर डाल देंगे, वरना अभी थोड़ा जी वेट करेंगे। तो अभी बस दाल हमारी आ गई है जी, इसको पहले साफ करते हैं और फिर इसको अच्छी तरह जी वॉश करते हैं। दाल मैंने वाश कर ली है जी, अभी से तकरीबन आधे घंटे के लिए इधर ही पड़ा रहने देंगे और उसके बाद इसको करेंगे जी बॉयल। तो यहाँ पे जी मैंने देखी में पानी डाल दिया तकरीबन 1.5 लीटर के करीब, और दाल है जी हमारी 1.5 पाव, तो इसको जी बॉईल करते हैं। और मैंने चूल्हे के नीचे जी आग जला दी है, तो सबसे पहले जी इसके अंदर हम डालेंगे आधा चम्मच जी हम नमक डालेंगे, आधा चम्मच हल्दी डालेंगे। ढक्कन जी दे दी है, जो पानी आता है तो हम दाल को इस देसी के अंदर डाल देंगे। पानी को जी उबाल आ चुका है, अब इसमें डालेंगे जी हम दाल। ढक्कन जी मैंने इसके ऊपर दे दिया है, तो अब इसके गलने का इंतज़ार करते हैं और साथ साथ जी हम चेक करते रहेंगे, और इसको जी हमें 90% जो है वो बस गलाना है। तो ये हैं जी हमारे 4 अदर टमाटर,
तो इनको जी हम कर लेते हैं ग्राइंड, जब तक जी हमारी दाल ग्राइंड होती है, सॉरी जी दाल बॉयल होती है, टमाटर ग्राइंड होने हैं। और ये देखिए जी आज जी हमारी 90% दाल गल चुकी है, 100 में से 10% जो बाकी है वो मसाले में गल जाएगी। आप चूल्हे को करेंगे जी बंद और वहां करेंगे जी अपना चूल्हा सेट। तो भी बस मैंने जी दाल के रेसिपी का सारा सामान रख लिया जी और बारिश भी बस स्टार्ट हो गई है जी। बाजी मीना मेरे पास आकर बैठ गई है तो कह रही है जी कि हंडिया जो है वो आप सही नहीं बनाते। बाजी दाल माश आज सही बनाओगी कि नहीं? बाजी कहती है जी आप दाल किसी तरह बनाई नहीं करते। तो फिर आपने जी साथ साथ हमारे रहने और बताने हैं कि मैंने वाकई दाल की बनाई अच्छी तरह की है या नहीं। बाजी को पसंद नहीं आती जी मोल रहे हो, कोई सब्जी बनाए तो बाजी कहती है आप अच्छी नहीं बनाती। बाजी को नहीं मत सब्जी पसंद नहीं आती, गोश्त तो जी खा लेती है, सब्जी में ये बड़ी एक्सपर्ट है। तो जब मैं कहती हूँ आप खुद बनाए तो कहती है मुझे आप भूल गया जी आपको भी बनाए। चलो जी टाइम वेस्ट किए बगैर अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डालते हैं इसमें घी और आज हम बनाएंगे अपनी रेसिपी मटे की कढ़ाई। और आपको जो चिड़ियों की आवाज़ आ रही होगी देखिए जी क्या चार इन्होंने जी वहाँ भी घोंसले बनाए हुए हैं, वो जो एसी वाला सुराख है जी वहाँ भी, और एक ये घोंसला जो हमारे चूल्हे के ऊपर है जी इधर भी बनाया हुआ है। तो यहाँ पे जी इन्होंने बच्चे दिए हुए हैं तो इस वजह से जी ये अपने बच्चों के पास आती हैं, उनको खुराक देती हैं, तो फिर आपको जी शोर तो आएगा ना। चले कोई बात नहीं जी, फिर बच्चों को तो जी हम मना नहीं कर सकते। तो सबसे पहले डालते हैं इसमें एक चम्मच बड़ा घी। तो सबसे पहले जी मैंने घी डाला है डालना, तो बाजी आ गई मेरी वहाँ से आवाज दे रही है और ये है जी घर का बना हुआ देसी घी। घी जी हमारा गर्म हो चुका है, अब इसमें एक चम्मच डालेंगे जी साबुत जीरा। तो अब इसमें डालेंगे जी लहसुन अदरक का पेस्ट एक चम्मच ही डालेंगे। लहसुन अदरक भी हमारा फ्राई हो चुका है, तो अब इसमें डालेंगे जी प्याज। प्याज है जी हमारा एक अदर बड़ा प्याज है जी। तो अभी बस प्याज देखिए जी हमारे फ्राई हो चुके हैं और अब इसमें डालेंगे जी ये टमाटर जिनको जी हमने ग्राइंड किया है, ये चार अदर है, अब इनको डाल देते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अभी बस हमारे जी टमाटर और प्याज जो है वो मैंने अच्छी तरह इनको गले दिया, फ्राई भी किया, ये देखिए जी अब बिल्कुल बारीक हो चुके हैं, मसाला हमारा बारीक हो गया है। तो अब इसमें डालेंगे जी हम ये अपनी सुर्ख मिर्चें, ये जो गोल गोल है जी ये तकरीबन 8 अदर है, इनको डाल देते हैं। और अब डालेंगे जी इसमें सब्ज मिर्चें तकरीबन 3 अदर है जी, इनको हमने चॉप किया हुआ ये भी डाल देंगे जी। तो अब इसमें डालेंगे जी अपना मसाला जार, आधा चम्मच जी हमने पहले डाला हुआ है दाल में, एक चम्मच डालेंगे जी आप मसाले में, एक चम्मच डालेंगे जी सुर्ख मिर्च, आधा चम्मच हल्दी, एक चम्मच सूखा धनिया पिसा हुआ, आधा चम्मच डाल देते हैं जी मोटी कुटी सुर्ख मिर्च। और आप करते हैं जी मसाले की अच्छी तरह भुनाई करते हैं। तो अब इसमें डालेंगे जी हम एक प्याली देंगे। मसाला जी हमारा बहुत अच्छे तरीके के साथ ही फ्राई हो गया है और देखिए जी तमाम चीज़ें जी गल चुकी है। तो अब इसमें जी मैं डालूंगी दाल जो हमने पहले से बॉयल करके रखी हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाइट चली
ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਤੋ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਦਿਆ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਜੀ ਬਾਹਰ ਬਾਦਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਅੰਦਰ ਅੰਧੇਰਾ ਅੰਧੇਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਦੁਪਹਿਰ ਕੇ ਸਵਾਤੀ ਨਹੀਂ ਤੋ ਯਹਾਂ ਪੇ ਜੀ ਮੈਨੇ ਢੁਕਾ ਦੇ ਦੀ ਹੈ ਉਸਕੋ ਲਗਾਏਗੇ 5 ਮਿੰਟ ਕਾ ਦਮ ਜੋ 10 ਫੀਸਦ ਜੀ ਹਮਾਰੀ ਦਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਮੇ ਜੀ ਗਲ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਉਸਕੋ ਮੈਨੇ ਕਮ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਜੀ ਹਮਾਰੀ ਦਾਲ ਤਿਆਰ ਹੈ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ ਔਰ ਇਹ ਦੇਖੇ ਫਿਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਯਹਾਂ ਸੇ ਆਪਕੋ ਦਿਖਾ ਦੇਤੇ ਹੈ ਗਲੀ ਜੋ ਗਲੀ ਮੇ ਜੀ ਪਾਣੀ ਆ ਰਹਾ ਹੈ ਔਰ ਯਹਾਂ ਸ਼ੇਡ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਜੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਮੌਸਮ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ ਤੋ ਅਗਰ 5 ਮਿੰਟ ਕੇ ਜੀ ਦਮ ਕੇ ਬਾਅਦ ਜੀ ਆਪ ਇਸਮੇ ਡਾਲੇਂਗੇ ਹਮ ਲੈਮਨ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ ਇੱਕ ਅਦਾ ਜੀ ਲੈਮਨ ਕਾ ਜੂਸ ਮੈਨੇ ਡਾਲ ਦਿਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜੀ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦੇਤੇ ਹੈ ਲੁੱਕ ਦੇਖੇ ਜੀ ਦਾਲ ਕੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੋ ਮੈਂ ਦਾਲ ਹਮਾਰੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ ਚੂਲ੍ਹੇ ਕੋ ਕਰ ਦੇਤੇ ਹੈ ਜੀ ਬੰਦ ਤੋ ਅਬ ਇਸਮੇ ਜੀ ਬਾਕੀ ਕੇ ਮਸਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਲ ਦੇਤੇ ਹੈ ਜੋ ਹਮਾਰੇ ਰਹਿ ਗਏ ਮੈਂ ਡਾਲੇਂਗੇ ਜੀ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ ਆਧਾ ਚਮਚ ਡਾਲੇਂਗੇ ਜੀ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਪਿਸੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਜੀ ਦੋ ਅਦਰ ਸਬਜ਼ ਮਿਰਚੇ ਇਨਕੋ ਜੀ ਹਮਨੇ ਬਾਰੀਕ ਬਾਰੀਕ ਇਨਕੀ ਕਟਿੰਗ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਭੀ ਡਾਲ ਦੇਤੇ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾ ਜੀ ਅਦਰਕ ਹੈ ਜਿਸਕੋ ਜੀ ਹਮਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਬਾ ਲੰਬਾ ਇਨਕੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਬ ਇਨਕੋ ਡਾਲ ਦੇਤੇ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਯੇ ਹੈ ਜੀ ਸਭ ਧਨੀਆ ਅਬ ਇਸਕੋ ਡਾਲ ਦੇਤੇ ਹੈ ਜੀ ਤੋ ਵੀ ਮੈਂ ਫਲੀਆ ਜੀ ਹਮਾਰੇ ਪੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੋ ਅੱਜ ਜਲਦੀ ਟਾਈਮ ਸੇ ਹਮਾਰਾ ਖਾਣਾ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸੁਬਹ ਜੀ ਜਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆਪ ਟਾਈਮ ਸੇ ਜੀ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲੈਂਗੇ ਬਾਜੀ ਜੀ ਆਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਬਣਾਏਗੀ ਜੀ ਆਪ ਇਧਰ ਰੋਟੀਆਂ ਮੈਂ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਜੀ ਵੀ ਬਸ ਬਾਰਿਸ਼ ਜੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਦੇਖੇ ਕਿਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਬਾਰਿਸ਼ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੋ ਯਹਾਂ ਪੇ ਜੀ ਮੈਨੇ ਕਾਲੀਨ ਡਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਏ ਔਰ ਇਹ ਭੀਗ ਜਾਏ ਔਰ ਇਸਕੋ ਜੀ ਹਮ ਸਰਫ ਸੇ ਕਰੇਂਗੇ ਵਾਸ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਯਹਾਂ ਪੇ ਜੀ ਅਕਸਰ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਛੱਤ ਪੇ ਆ ਕੇ ਜੀ ਬੈਠ ਜਾਤਾ ਹੈ ਚੱਲ ਭਾਈ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਸਕੋ ਉੱਪਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਦੇਖੇ ਜੀ ਬਾਜੀ ਨੇ ਯਹਾਂ ਪੇ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੀ ਹੈ ਬਾਜੀ ਤੰਦੂਰੀ ਪੇ ਰੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੀ ਤੰਦੂਰੀ ਗੈਸ ਕੰਮ ਸੀ ਨਾ ਅੱਛਾ ਥੋੜੀ ਸੀ ਗੈਸ ਤੇ ਪਕੜੀਆਂ ਕੋਲੇ ਸਾਂ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੱਚਿਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਕੋਲੇ ਸਾਂ ਵਾਕਈ ਜੀ ਆਗ ਬਹੁਤ ਕਮ ਥੀ ਜੀ ਗੈਸ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਮੈਨੇ ਜੀ ਇਹ ਜੋ ਹੰਡੀਆਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਮ ਆਂਚ ਪਰ ਬਣਾਈ ਹੈ ਔਰ ਇਸਕੋ 3 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਗਏ ਹੈ ਤੋ ਬਾਜੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਤੰਦੂਰੀ ਮੈਂ ਜੀ ਆਗ ਲੱਗਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚਲੋ ਜੀ ਫਿਰ ਆਪ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਇਹ ਸਮੇਂ ਵਾਲੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੋ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਪੇ ਜੀ ਇਹ ਦੇਖੇ ਜਹਾਂ ਪੇ ਹਮਨੇ ਤੰਦੂਰੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਵਹਾਂ ਪੇ ਅਬ ਕਿਆ ਪਤਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਉਧਰ ਪਾਣੀ ਇਧਰ ਹੀ ਨਾ ਆ ਜਾਏ ਚਲੇ ਇਹ ਰੋਟੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਜੀ ਕੋ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਰੋਟੀਆਂ ਪੱਕ ਗਈਆਂ ਨਾ ਬਾਜੀ ਚਲੋ ਜੀ ਪੱਕ ਗਈਆਂ ਜੀ ਬਾਜੀ ਰੋਟੀਆਂ ਲਾਨੇ ਆ ਰੋਟੀ ਚਲੋ ਜੀ ਰੋਟੀ ਆਖਰੀ ਪੱਕ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਚਲੇ ਬਸ ਤੋ ਅਸਰ ਕੀ ਜੀ ਮੈਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਹੈ ਤੋ ਅੱਜ ਜੀ ਹਮ ਟਾਈਮ ਸੇ ਖਾਣਾ ਖਾਏਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੌਸੀਫ ਨੇ ਜੀ ਉਸਕੀ ਰਾਤ ਕੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਉਸਨੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਹੈ ਤੋ ਜਲਦੀ ਜੀ ਦਸਤਰਖਾਨ ਲਗਾਤੇ ਔਰ ਆਪ ਸਾਡੀ ਖਾਣਾ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਚਲੋ ਉਧਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਯਹਾਂ ਪੇ ਜੀ ਹਮ ਚਟਾਈ ਲਗਾਉਣੇ ਲੱਗੇ ਹੈ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਲਗਾਤੇ
आज भी हम खाने वाले तीन चार बंदे हैं, हसबैंड साहब घर पे नहीं है जी, वो गुजरा वाला गए हुए, पता नहीं जी वहां ही रात रह जाए या आ जाए। तो भी दसर हाँ जी हमने लगा लिया और मुख्तसर सा जी आज हमारा, आज से हमारा दसर फाल हुआ करेगा क्योंकि जी रोजे खत्म हो चुके हैं, तो वो तो रौनक थी जी बहुत ज्यादा, कभी एक रेसिपी बारी कभी दूसरी, तो अब जी एक ही रेसिपी बना करेंगे। तो मैं और बाजी, बाजियाँ जो है वो बैठ चुकी हैं जी खाना खाने के लिए, तो सी फाल है तो बाजी डाले जी खाना, दाल रोटी है जी आज, आज का स्पेशल खाना है जी दाल रोटी। ये देखिए जी हमारी माश की दाल जो है वो तैयार हो गई है, बाजी डालने लगी है, सालन डाले बाजी जल्दी जल्दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लुक देखिए जी दाल की अच्छी है जी, माशाल्लाह खिली खिली दाल बनी है, ढाबा स्टाइल में होटल वाली दाल। तो ये है जी बाजी मीना की दाल, बाजी मीना की पसंदीदा दाल जी आज बनाई है। दाल की लुक जी बहुत अच्छी है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है जी माशाल्लाह, और खिली खिली बनी है माशाल्लाह जी, बहुत जबरदस्त बनी है जी माशाल्लाह। दाल को जी किसे डाल देना? तो भी बस खाना जी तो सफार पर लग चुका है, अल्लाह अल्लाह करके जी आप खाते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। तो भी बस मक्खियाँ जी बहुत ज़्यादा हो गई हैं, दरवाजे भी बंद करते हैं, खिड़कियाँ भी बंद करते हैं, पता नहीं कहाँ से आ जाती हैं जी। आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे स्प्रे करवाए, स्प्रे करवाए बगैर जी गुजारा नहीं होगा, क्योंकि सामने जी घास भी बहुत ज़्यादा है, सब्जा है, और यहाँ पर जी भैंसे वगैरह भी हैं, तो वो फिर उस वजह से जी वो गोबर वगैरह होता है तो सारे बच्चे आते हैं जी यहाँ पर। चलो जी खाना खाए, बिस्मिल्लाह करके और शेयर करें जी, बताए कैसा बना है। बाजी कह रही थी आपने सही नहीं बनानी, बताएं बाजी मैंने कितनी इसकी बनाई थी, अभी आपने बताना है जी नीचे कमेंट्स करके। क्योंकि जी मैंने बहुत ही जी हल्की आंच पे बनाई, गैस स्लो थी तो मैंने हल्की हल्की आंच पे जी तीन घंटों में दाल बनाई है, स्लो स्लो बनाई है बाजी के डर की वजह से, उधर से सही बनी। चलो चुप कर दो। अच्छा चलो शुक्र है जी, बाजी कह रही है जी मुझसे बढ़ के अच्छी बनाई है, बस वाकई जी बहुत अच्छी बनी है माशाल्लाह जी। हम वीडियो कैन करते हैं, खाना खाएंगे जी, आज देखिए जी टाइम से हमारा खाना बन गया जी, 4:30 हो गए, 4:00 जी 51 मिनट हो चुके हैं, 5 होने वाले हैं, तो आज खाना जी हम टाइम से खाया करेंगे आपसे, क्योंकि जितनी जल्दी जी गांव में खाना जल्दी हमारे खाया जाता है तो जल्दी जी हजम भी हो जाता है और सुबह भूख भी लग जाती है। तो भी बस उम्मीद है जी आपको आज की हमारी ये जो रूटीन है शाम की और ये जो हमारा खाना है जी शाम का ये जरूर पसंद आएगा। हसबैंड वाली प्रेस होती है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ करें जी, और हमारे जितने मेरे भाई दोस्त हमारी वीडियो को वॉच करते हैं और जो नहीं भी करते जी सब जैसे मेरा पाक इजाफा फरमाए, सबको सेहत और तंदुरुस्ती का आमीन। और सबसे पहले जी इतना अच्छा खाना खाने का जी अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं, तो आपसे इजाजत देते हैं जी, आप हसबैंड साहब तो है नहीं, तो सारे जी बाय बाय करते हैं। ओके। मैंने दाल बनी।